सीधे ले चलते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा, आज इस बात का बीजेपी की ओर से दावा किया गया है। ये बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। यूपी के लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री एके शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को कई छूट दी गई हैं, हमारे पास धन है और सारी व्यवस्थाएं हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें कि इस बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और यूपी में किसानों के ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली देने का प्रयास किया गया है। 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा, इस बात का भी दावा किया गया है और उनमें हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री एके शर्मा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने सभी प्रस्तावों को लेकर जानकारी साझा की है। ये यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एके शर्मा ने आज कैबिनेट बैठक में जिन भी प्रस्तावों पर मुहर लगी है उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों को आज मंजूरी मिल गई है, साथ ही यूपी में किसानों के ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। बता दें कि लखनऊ से सटे जिलों को तेजी से विकास करने का भी दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिस वक्त कैबिनेट बैठक संपन्न हुई उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें 29 प्रस्तावों को लेकर पूरी तरह से जानकारी साझा की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के लखनऊ से, इस वक्त आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आज योगी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक हुई है, जिसके बाद मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी 29 प्रस्तावों के बारे में जानकारी साझा की है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राशिद दलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, जिस तरीके से योगी की ये जो अहम कैबिनेट बैठक है इसका इंतजार था और आज ये बैठक संपन्न हुई है और उसमें लगभग 29 ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगी है, तो क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कहीं ना कहीं बैठक और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो अहम पार्टियां हैं जिसमें तो ओपी राजभर है और अनिल कुमार आरएलडी से, तारा सिंह चौहान और सुनील वर्मा, इनको कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार बैठक चल रही है, बैठक में कहीं ना कहीं जो अन्य नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। वही राशिद, अगर बात करें तो एके शर्मा ने जो एक प्रेस वार्ता की है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों का जिक्र किया है कि किसानों को कई तरीके की छूट देने का भी ऐलान किया गया है, तो किसानों के लिए क्या कुछ अहम बातों पर चर्चा हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह से 9 जिलों में किसानों के लिए जो एडवांस धनराशि योगी सरकार ने दिया है उसमें बांदा, बस्ती और चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा और सहारनपुर, शामली भी शामिल है, जिसमें कि 2-2 करोड़ रुपए जो ओलावृष्टि में जो किसानों का नुकसान हुआ, जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उसमें सरकार ने एडवांस धनराशि दिया है। और दूसरी बात है एक जो ऊर्जा मंत्री एके शर्मा है, उन्होंने कहा है कि किस तरह से सरकार धनराशि किसानों के लिए दे रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे सरकार के पास और उत्तर प्रदेश सरकार के पास और धन है, हम उसे किसानों में और वितरित करेंगे, क्योंकि किसानों का कोई भी नुकसान न होने पाए और किसानों के नुकसान की भरपाई हम स्वयं करेंगे और सरकार करेगी। राशिद, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बैठकों का दौर है वो लगातार शुरू हो जाता है और जिस तरीके से योगी कैबिनेट की ये बड़ी बैठक हुई है तो क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनावों में किस तरीके से बीजेपी को इन सब फैसलों से फायदा मिल सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से अन्य दल है जैसे राष्ट्रीय लोकदल है और अपना दल है, ये जो गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने का काम करेंगी। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है, गरीब और दलित अनुसूचित जो पिछड़े हैं उनके लिए भी काम कर रही है, आवास योजना हो,
या किसानों के फसलों का हो, या बिजली माफ की हो, या पानी की सुविधा हो, तो सारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने काम किया है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी राहत और बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। राशिद, आज एक और बहुत बड़ी बात कही गई है बीजेपी की ओर से, अगर कहें तो राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का जो प्रस्ताव था उसको भी मंजूरी दी गई है, तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल किए जाएंगे और किस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो राम मंदिर का, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पे विकास हो रहा है अयोध्या में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, वहां के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने पैकेज दिया। और दूसरी बड़ी बात करें तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, वाराणसी, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ये और अयोध्या और मथुरा की भी बात कर लें तो मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है और बड़े पैकेज पर काम कर रही है, क्योंकि श्रद्धालु जो है उनको कोई किसी तरह का नुकसान न होने पाए, वो उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनका सुरक्षा व्यवस्था सारा उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार करवा रही है। वही राशिद, अगर बात करें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तो कहीं ना कहीं यूपी को काफी अहम माना जाता है क्योंकि लगभग 80 सीटें हैं और जो मंत्री बीजेपी की ओर से सूची में जिस तरीके से मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है, तो क्या लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव का पूरा सिलसिला है जिसको लेकर तमाम बैठकों का दौर भी जारी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से जो दाव खेला जा रहा है यूपी में, क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव में किस तरीके के नतीजे देगा? जी बिल्कुल, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, क्योंकि 550 साल से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, अयोध्या का मुद्दा चल रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बना है जिसमें कि श्रद्धालु, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम किए और जितना मंदिर के लिए इनका योगदान रहा, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के वोटर्स हैं वो योगी आदित्यनाथ को अपने मसीहा समझने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का चेहरा, बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ का वोट बैंक मौजूद रहेगा। ठीक है राशिद अलवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक संपन्न हुई है उसके बाद एके शर्मा ने ये प्रेस वार्ता की है और साफ तौर पर आपको बता दें कि लगभग इस बैठक में आज 29 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही एके शर्मा ने ये दावा किया है कि धीरे धीरे यूपी को एक राजधानी क्षेत्र विकसित करने का जो प्रस्ताव रखा गया था उसको भी पास कर दिया गया है और आज के इन 29 प्रस्तावों में यूपी के किसानों के लिए कई तरीके के प्रावधान थे जिनको आज मंजूरी मिली है।